क्या आपने कभी ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा है जो किसी ऐसे देश का दौरा करे जहां युद्ध चल रहा हो, जहां आए दिन बमबारी हो रही हो? शायद नहीं। तो आपको बता दें, हमारे देश के प्रधानमंत्री ही ऐसे देश का दौरा करने जा रहे हैं। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के न्योते पर 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं। ये वही यूक्रेन है जो पिछले लगभग 2 सालों से रूस के साथ जंग में लगा हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूक्रेन दौरा इतना खास क्यों है और ये पीएम मोदी की ग्लोबल लीडर की छवि में 4 चांद कैसे लगाएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूक्रेन दौरा इतना खास क्यों है कि यूक्रेन के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर जा रहा है। और फिर पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से उनकी राजधानी कीव में ही मिलेंगे। ये वही जगह है जहां पर रूस ने कई घातक हमले किए हैं। तो ये तय है कि जब पीएम मोदी यूक्रेन की राजधानी में होंगे तब रूस वहां पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो इसी साल के जुलाई महीने में पीएम मोदी ने रूस का भी दौरा किया था और तब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया था और उन्हें अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया था। तो ऐसे में जब पीएम मोदी यूक्रेन में होंगे तब रूस किसी भी हालत में यूक्रेन पर हमला नहीं कर सकता। यूक्रेन जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड का भी दौरा करेंगे। फिर पोलैंड से 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करके वो यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंचेंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई और वर्ल्ड लीडर्स भी ट्रेन के जरिए ही यूक्रेन पहुंचे थे। पीएम मोदी की इस यूक्रेन यात्रा पे पूरी दुनिया की नजर है। इसमें 3 चीजें अहम है। पहला ये कि पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं। दूसरा ये कि युद्ध के समय जा रहे हैं और तीसरा ये कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुद ही प्रधानमंत्री को न्योता दिया है। तो आप इसका सीधा सीधा ये मतलब समझिए कि यूक्रेन अब चाहता है कि भारत उसके और रूस के बीच जारी इस जंग को रुकवा दे, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो कितने गहरे, ऐतिहासिक और मजबूत हैं। वहीं पीएम मोदी के इस यूक्रेन दौरे पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ ठोस और स्वतंत्र संबंध है और ये साझेदारियां अपने दम पर कायम है। ये यात्रा भारत और यूक्रेन के बीच निरंतर जुड़ाव को आगे बढ़ाएगी। विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस जटिल मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद के लिए हर संभव हेल्प और योगदान देने के लिए तैयार है। तो अगर पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद अगर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का दौर बढ़ता है तो इसे भारत की एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर देखा जाएगा और ये उन सभी क्रिटिक्स और यूट्यूबर्स के मुंह पर तमाचा होगा जो भारत द्वारा वॉर रुकवाकर अपने स्टूडेंट्स को बाहर निकलवाने का मजाक बना रहे थे। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए न्यूज प्लस को देखते रहें।